ओडिशार मानचित्रे झारसुगुड़ा जिल्लार रही भिन्न एक परिचय। आम समस्ते झारसुगुड़ा जिल्ला को एक शिल्प समृद्ध जिल्ला भाव जाणीछु। झारसुगुड़ा जिल्लार नाम शुणिले मन भितर आंकी हो जाए विभिन्न कलकारखाना तथा खणी खादान चित्र, किंतु ओडिशार पर्यटन मानचित्र भी रही झारसुगुड़ा जिल्लार महत्वपूर्ण योगदान। नमस्कार, ओडिशा स्टोरीज रो आउ एक नूतन अध्याय को मु आपण मानंकु स्वागत जनाउची। आज आम आसी पहुंची जाइछु झारसुगुड़ा जिला ब्रजराजनगर सहर निकट रे थिबा मां रामचंडी को पीठरे। ऐतिहासिक किंवदंती, पौराणिक कथावस्तु तथा उत्कृष्ट प्राकृतिक परिवेश रे रहिछि मां रामचंडी को पीठ। आपण मानको एक अनुरोध, वीडियो टी को शेष पर्यंत देखिबा पई एवं आम चैनल टी को सब्सक्राइब करिबा पई। झारसुगुड़ा जिला सदर महकुमा ठारु प्राय 20 किलोमीटर दूर तथा ब्रजराजनगर सहर ठारु प्राय 5 किलोमीटर दूर ईब नदी कूल रे मां रामचंडी को मंदिर अवस्थित। ऐतिहासिक रामपुर जमीदारी रो जमीदारों द्वारा प्रतिष्ठित यह देवी होउचंती रामपुर गढ़ जात्र इष्ट देवी। ईब बा इरावती नदी और भेडन नदी मिश्रण यह स्थान शोभा को द्विगुणित करिथाय। नदीर जल पहाड़ पादेश को स्पर्श कर बही जाउतबा बेले वर्षा दिन समय बन्या प्लावित जल मां को करिथाय जलाशय। पहाड़ पादेश एक छोट गुंफा मध्य माँ रामचंडी मूर्ति पूजा करा जाए। स्थानीय लोकों कहवा अनुसार यही पहाड़ रही अनेक गुड़े गुंफा। एकदा यही अंचल वीर स्वाधीनता संग्रामी सुरेन्द्र साय यही गुंफा मान व्यवहार कर गोटे स्थान आउ गोटे स्थान को करुले चलप्रचल। आज यही गुंफा मान मध्य अनेक लुप्त। से ही स्थान को जीवाक लुहार सीढ़ी दे तल को ओल्लवा पड़ता है। पहाड़ निम्न भाग तथा गुंफाटी को लाल रंगरे रंगीन करा जाई। पहाड़ कांथरे महाप्रभु श्री रामचंद्र, देवी सीता एवं भ्राता लक्ष्मण चित्र अंकन करा जाई छी। साधारणत वर्ष सारा सकाळु संजय मंदिर खोला रहुतबा बेले प्रति मंगलवार दिन पड़ी थाए बळी। चैत्र मास तथा दुर्गा पूजा समय रे मांकर विशेष प्रकार पूजार्चनार आयोजन करा जाई थाए। एठारे माँ रामचंडी आविर्भाव को नहीं शुणा को मिलता है विशेष किसी ऐतिहासिक तथा तो पौराणिक किंवदंती। ऐतिहासिकों मत अनुसार संबलपुर चौहान राजा श्री छत्रसाय देव राजत्व समय रे रामपुर जमीदार यही स्थान रे माँ को प्रतिष्ठित कराइले। देवी चक्रेश्वरी एवं देवी छत्रेश्वरी मूर्ति गुंफा मध्य माँ रामचंडी मूर्ति सहित पूजा पाई थाए। किछी पौराणिक मत को नहीं स्थानीय लोक कहंती जे प्रभु रामचंद्र वनवास समय रे एही स्थान रे मरीच राक्षस को बध करितले। सुनार राक्षस पालटी थिबा मरीचर मृतदेह पड़ा स्थान को मरीच कुद बोली कहा जाए। एही मरीच कुद सम्मुखरे थिबा एक छोट पर्वत रे महाप्रभु श्री रामचंद्र देवी दुर्गा को उपासना करितले। एही देवी दुर्गा जे स्थानीय माँ रामचंडी बोली स्थानीय व्यक्ति माने परिप्रकाश करिथांती। आउ एक लोक कथा अनुसार महाप्रभु श्री रामचंद्र को वनवास समय रे एक चंडीश्वरी पुणी महाप्रभु श्री रामचंद्र को आक्रमण करितले। प्रभु प्रति आक्रमण को बुझी से ही चंडीश्वर पुणी
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁସାରେ ଦେବୀ ସେହିଠାରେ ପୂଜା ପାଇଲେ। ସେହି ଚଣ୍ଡୀଦେବୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଭାବରେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଲେ। ସିଏ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ସୁଦୂର ଛତିଶଗଡ଼ ତଥା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି ବ୍ରଜରାଜନଗର ନିକଟରେ ଥିବା ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠକୁ। ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ବହିଯାଇଥିବା ନଦୀରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ବୋଟିଂ କରିବାର ମଜା ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଶା ଆଜିର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ନିଜର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର।